इसके हाल चाल आ गए आपके भाई फिर से और एक न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस वीडियो शुरू से एंड तक ही देखना होगा। ओके तो जितना सारा फ्रेंड गाइस फ्री फायर खेलते हो एंड पबजी गेम खेलते हो, कोई भी गेम खेलते हो ऑनलाइन गेम, और गाइस वो डिवाइस हो, गाइस पोको डिवाइस हो, कोई पोको M3 हो कि पोको X3 हो, कोई भी डिवाइस हो एंड रेडमी डिवाइस हो, इस डिवाइस के अंदर से गाइस आपका गेम बैग हो जाता है। तो गाइस क्या होता है, गाइस जब भी कौन सी टाइम बैग होता है, मान लीजिए एक टाइम पर गेम खेल लो और उसी टाइम पर क्या होता है गाइस इनकमिंग कॉल आ गया, आपका कोई भी करीबन दोस्त हो आपके साथ बात करने के लिए उसी टाइम पर कॉल किया है, और गाइस आपका जो कैरेक्टर है गाइस ऐसा सिचुएशन पर है कि सामने एक बंदा है आपको मार रहा है, ओके तो उसी टाइम पर कॉल आ गया था, बहुत ही दिक्कत हो जाता है, गेम बैक हो जाता है। तो गाइस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके भाई आपके साथ है तो करना क्या है, वीडियो को शुरू से एंड तक देखना पड़ेगा। ओके उसके बाद आपका जो प्रॉब्लम है गाइस इस वीडियो के अंदर खुलासा करने वाला हूं कि इसका सॉल्व कैसे करना है, 100% आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो चले देर किस बात की, गाइस वीडियो शुरू से एंड तक देखना, एंड अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया नीचे देखो सब्सक्राइब बटन है, जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर दो एंड बगल वाला घंटी बटन को प्रेस कर दो, आने वाला टेक्निकल वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। चलिए गाइस शुरू करते हैं। देखो ये है पोको M3 डिवाइस है, ओके तो पोको का कोई भी डिवाइस हो, पोको X3 हो कि पोको M3 हो, कोई भी डिवाइस हो, ओके जैसे कि गाइस यहाँ पास से देखे आप सभी फ्रेंड को दिखाने वाला हो, यहाँ पास से देख लीजिए, यहाँ पास से गेम के अंदर फिलहाल आ गया है, ओके तो गेम के अंदर पहले से ही है, तो यहाँ पास से दूसरे नंबर से कॉल करने वाला हो, तो यहाँ पास से देखो कॉल करके आप लोगों को दिखाता होगा, इस यहाँ पास से देख लीजिए, यहाँ पास से कॉल आ गया, अभी देखो गाइस क्या करने वाला है, कॉल को रिसीव करने वाला है, ओके तो यहाँ पास से देखो कॉल को फर्स्ट रिसीव करके सभी फ्रेंड को दिखा दें, तो यहाँ पास से देख लीजिए कॉल को रिसीव वाला बटन पर क्लिक किया, यहाँ पास से देख लीजिए ऑटोमेटिकली बैग हो गया, ओके तो गाइस ऐसा गाइस सब लोग को प्रॉब्लम आ रहा है, पोको डिवाइस का जितना सारा ब्रांड है सारी मॉडल के अंदर गाइस हम लोगों को ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, तो करना क्या है, ओके तो ध्यान से वीडियो को देखोगे तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने वाला है, तो शुरू से वीडियो को एंड तक देखो, ओके तो गाइस ऐसा कुछ प्रॉब्लम आप सभी फ्रेंड को आ रहा है, तो गाइस इसको लेकर सबको करना क्या है, ओके तो देखो फाइनली यहाँ पास आप लोगों के लिए गाइस आज का ये वीडियो है पोको डिवाइस, बहुत सारा फ्रेंड का ऐसा कमेंट आ रहा था कि भाई पोको डिवाइस के बारे में बताओ, तो फाइनली आप सभी फ्रेंड के लिए पोको डिवाइस का जो प्रॉब्लम है इसी के अंदर आ गए, ओके तो चलिए दिखाते हैं। तो गाइस इसके लिए आपको करना क्या है, ध्यान से वीडियो को देखोगे, ओके तो यहाँ पर से देखो, यहाँ पर से फर्स्ट आपको गाइस यहाँ पर से जो डायलर पैड दिख रहा है ना, डायलर पैड को ऊपर क्लिक करो, डायलर पैड को ऊपर क्लिक करने के साथ साथ आप लोगों से ऐसे ऑप्शन खुल कर आ जाएगा जैसे कि नंबर शो करते हैं, ओके तो फर्स्ट हम लोगों को करना क्या गाइस, ऊपर देखो 2-3 डॉट दिख रहे हैं, इसको ऊपर क्लिक करो, यहाँ पर से देखने को मिलेगा गाइस सेटिंग वाला ऑप्शन, तो सेटिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक करो, उसके बाद कई तरह की ऑप्शन आप लोगों के सामने खुल कर आ जाएगा, ओके तो यहाँ पर से गाइस हम लोगों को करना क्या है, ओके गाइस एक सेटिंग को हम लोगों को यहाँ पर से ढूंढना होगा, तो कहाँ पर से ढूंढना होगा ध्यान से वीडियो को देखोगे तब आप सभी फ्रेंड को पता चल जाएगा, ओके तो गाइस जितना सारा फ्रेंड पोको डिवाइस एंड रेडमी डिवाइस यूज करते होता है इस दोनों डिवाइस के अंदर से गाइस आप लोगों को सेम सेटिंग देखने को मिलेगा, तो गाइस इस ट्रिक को आपका रेडमी डिवाइस है तो इसी डिवाइस के अंदर सब यूज कर सकते हो, ओके तो यहाँ पर से ऐसा सेटिंग आ जाएगा, तो इसके लिए गाइस आपको करना है इसके अंदर गाइस देखो बहुत सारा सेटिंग तो है, इसके अंदर गाइस हम लोगों को क्लिक करना है, कॉलिंग अकाउंट जो लिखा है कॉलिंग अकाउंट को क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद गाइस आप लोगों को करना है गाइस यहाँ पर से देखो, यहाँ पर से देखने को मिलेगा इस ऑटो आंसर, ओके तो नीचे बहुत सारा ऊपर बहुत सारा सेटिंग दिखेगा, नीचे आ जाना यहाँ पर से देखने को मिलेगा ऑटो आंसर, इसको पर क्लिक कर देना, इसको पर क्लिक कर देने के बाद गाइस यहाँ पर से जो सेटिंग ऑप्शन है गाइस इसको ऑन कर देना, इसको ऑन कर देने के बाद अभी करना क्या है गाइस यहाँ पर से देखने को मिलेगा गाइस फर्स्ट अलावेस, उसके बाद हेडफोन ऑनली, उसके बाद ब्लूटूथ डिवाइस एंड हेडफोन ऑन ब्लूटूथ डिवाइस ऑनली, ओके तो यहाँ पर से देखो तो आपको करना क्या है, ओके तो जब भी गेम प्ले करो आपका कोई भी गाइस कोई भी डिवाइस हो गाइस यहाँ पर से ऑल आउट सेटिंग सेट करो, मान लीजिए आपको फर्स्ट दिखाता है तो हेडफोन एंड ब्लूटूथ डिवाइस, ओके तो यहाँ पर से देख लीजिए गाइस अभी सभी फ्रेंड को दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर से देख लीजिए सिर्फ एक हेडफोन मैंने इस हेडफोन को गाइस फ़ोन के अंदर लगा देते हैं पहले से, ओके तो इसके अंदर कहाँ है ऊपर है सॉरी, तो यहाँ पर से फर्स्ट लगा देते हैं, ओके लगा दिया, ओके तो अभी गाइस करना क्या है गाइस यहाँ पर से हेडफोन लगा दिया, यहाँ पर से हेडफोन एंड ब्लूटूथ इसको सिलेक्ट कर दिया, ओके तो अभी चले जाते हैं गेम के अंदर, ओके तो यहाँ पर से देख लीजिए मिनिमाइज कर देते हैं, अभी चले जाते हैं गेम के अंदर, ओके तो गेम के अंदर आ गए, अभी दूसरे नंबर से कॉल करके आप सभी फ्रेंड को दिखाता है गाइस यहाँ पर से देखो,
यहाँ पास से गाइस दूसरा नंबर से कॉल गाइस कॉल रिसीव नहीं करूंगी ओके। तो यहाँ पास से देख लीजिए कॉल रिसीव नहीं किया गाइस, यहाँ पास से देख लीजिए लेफ्ट साइड गाइस एक पॉपअप बन गया ओके। तो गेम तो बैक नहीं हुआ गाइस, यहाँ पास से देख लीजिए लेफ्ट साइड एक पॉपअप बन गया है ओके। तो गेम बैक नहीं हुआ है। तो गाइस ऐसा ट्रिक को आप लोगों को गाइस आपका डिवाइस के अंदर से अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद गाइस आपका डिवाइस के अंदर से वर्क कर जाएगा, गेम बैक नहीं होने वाला है ओके। जो सेटिंग दिखाने वाला है दिखा रहा है गाइस वो सेटिंग को सेट कर लेना ओके। तो कॉल को काट कर देते फिलहाल, अभी देखो फिर से सेटिंग के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पास से देख लीजिए सेटिंग के अंदर आ गया है गाइस, यहाँ पास से देख लीजिए सेटिंग के अंदर तो आ गया फाइनली ओके। तो यहाँ पास से गाइस आप लोग हेडफोन निकाल के मान लीजिए हेडफोन नहीं यूज़ करना चाहते हो तो गाइस यहाँ पास से करना क्या है गाइस, यहाँ पास से देखो हेडफोन को फिलहाल निकाल देते हैं ओके। तो देख लीजिए हेडफोन निकाल दिया ओके। अभी यहाँ पास से इसको सिलेक्ट कर देते, अलावा उसको सिलेक्ट कर देते। इसको सिलेक्ट कर देने के बाद गाइस यहाँ पास से देखो जो ऑटो आंसर का एक टाइमिंग होता है गाइस, यहाँ पास से मान लीजिए 10 सेकंड के अंदर की 5 ज़्यादातर गाइस 10 सेकंड ही सिलेक्ट करके देना, मैं दिखाने के लिए 5 सेकंड सिलेक्ट करता हूँ ओके। तो फिर से गेम के अंदर चले जाते हैं, यहाँ पास से गेम के अंदर आ गया, फिर से कॉल करते देख लीजिए हेडफोन नहीं यूज़ किया अभी, यहाँ पास से देख लीजिए हेडफोन नहीं यूज़ किया, हेडफोन नहीं लगाया है, देख लीजिए कॉल आ गया। कॉल आने के साथ साथ गाइस यहाँ पास से देख लीजिए 5 सेकंड के अंदर गाइस यहाँ पास से देख लीजिए पॉपअप बन गया ओके, गेम बैक नहीं हुआ। लेकिन गाइस यहाँ पास से दूसरा जो फ्रेंड कॉल किया है उसके साथ बात भी चल रहा है एंड गाइस गेम भी चल रहा है, यहाँ पास से देख लीजिए गेम भी चल रहा है, बात भी चलेगा, सब कुछ चलेगा ओके। आराम से गेम को प्ले कर सकते हो एंड उस फ्रेंड के साथ भी बात कर सकते हो। अभी गाइस यहाँ पास से कॉल को कट कर देते, अभी दिखाते हैं गाइस यहाँ पास और एक सेटिंग, यहाँ पास से देखो और एक सेटिंग दिखाता है गाइस, यहाँ पास से ओनली हेडफोन भी यूज़ कर सकते हो और ओनली ब्लूटूथ भी यूज़ कर सकते हो, ऐसे सिलेक्ट कर देना होगा ओके। सिलेक्ट कर देगा तो बहुत ही अच्छा होगा एंड यहाँ पास से 10 सेकंड टाइमिंग को सिलेक्ट कर देना ओके। तो वीडियो को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताओ। जितना सारा फ्रेंड पोको डिवाइस एंड रेडमी डिवाइस यूज़ करते हो इस सेटिंग को फॉलो करो गाइस, सबका डिवाइस के अंदर से वर्क कर जाएगा ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बाद, तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो गाइस कमेंट करना, आपका भाई एनी टाइम आपके साथ है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो गाइस जरूर कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।